नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। रोहित कृष्णा अमन आ जाओ, इधर आ जाओ, जय राजा, तालियां तालियों से हौसला बुलंद करें ताकि लगे जय कुमार को फर्स्ट आने में उन्हें आनंद मिले। जय कुमार सेकेंड मेडल और सर्टिफिकेट। अब मैं लेडीज श्रीमती बी रैद्रा फर्स्ट, महिलाओं में फर्स्ट श्रीमती बी रैद्रा, हौसला बुलंद करें आप, तालियों में जोश नहीं है, पीछे अपने कार्मिक बंधु शिल्पा रेड्डी, आवाज जोर से होनी चाहिए, तालियां जोर से बजनी चाहिए, मजा नहीं आ रहा है, जोश नहीं हो रहा है। और सीआरपीएफ कार्मिकों का नाम हैदराबाद प्रथम पुरस्कार लेते हुए मेडल श्री पीपी कोली डीआईजी पे जिसे हैदराबाद द्वारा दिया जा रहा है। एससीआरओ सेकंड सिग्नल श्री वेंकटेश सर द्वारा मेडल्स देते हुए। अब डांस ग्रुप के राजन, रितिका, श्रियंका और दूसरा हरि और तालियों से गड़गड़ा जिसका नाम ले हुआ है।
एरोबिक डांस चुके मिडिल्स में तो हथालियां तो बज खुशी की बात है कि हम सब अपने आप को फिट रखने में सबके सब शौक रखते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो उसमें स्वस्थ दिमाग भी नहीं होगा, तो स्वस्थ दिमाग होने के लिए स्वस्थ शरीर बहुत जरूरी है। और इसलिए जब भी मौका मिले अपनी फिटनेस के ऊपर पूरा ध्यान दें। ये प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है कि फिटनेस बनाए रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के तौर पे पूरे देश के अंदर इस फिट इंडिया मूवमेंट को चलाया जा रहा है। और साथ ही सीआरपीएफ ने ये बीड़ा उठाया है कि हमारे सबके सब सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, जवान, फैमिलीज, बच्चे सब मिला के 1 करोड़ किलोमीटर हम लोग पूरा करेंगे। तो आज आपने उस 1 करोड़ किलोमीटर को पूरा करने में जो योगदान दिया है उसका मैं सीआरपीएफ की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बच्चे सबसे ज़्यादा इस चीज़ के अंदर शौकीन बच्चे ही होते हैं, और बच्चों को तो क्या है कि फिट इंडिया में रनिंग करने के अलावा डांस भी बहुत करना चाहिए। जितना आप डांस करोगे उतना फिटनेस भी बढ़ा रहेगा और उसमें मजा भी आएगा। तो मैं पॉली सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हम सबको बुलाया और इस आज के प्रोग्राम में शरीक होने का हमें भी मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। झंडी दिखाकर से दौड़े हैं और ये दिए गए दौर शुरू हुआ है। बंधु अपने तो जवान है और भी दौर शुरू करे, झंडा दिखा गया है आप शुरू कीजिए। आपको मन से होते हुए मंदिर की तरफ के रास्ते से सीपीडीडब्ल्यू के रास्ते से गुरुद्वारा होते हुए सीपीडीडब्ल्यू रास्ते हॉस्पिटल के रास्ते पूरा चक्कर लगाएंगे, एक दूसरी बार फिर से चक्कर लगाएंगे। दौड़ कंप्लीट होने के बाद दौड़ो ना।
आप फिर परेड ग्राउंड में आएंगे, विजेताओं को पुरस्कार और मेडल दिया जाएगा। फ्रीडम रन की शुरुआत यस सर आज GCCRPF कैंप में फिट इंडिया मूवमेंट की सेलिब्रेशन 1 अक्टूबर 2020 में पूरे इंडिया में अपने भारत सरकार की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, उसमें हमारे CRPF की ओर से खास तौर पे GC हैदराबाद की ओर से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से लेके हम 5 किलोमीटर का जवानों के लिए और परिवार के लिए 3 किलोमीटर का प्रतिदिन का फिट इंडिया मूवमेंट रन एंड वॉक हमने ऑर्गेनाइज किया। मुझे खुशी है कि ये पूरा महीना काफ़ी मात्रा में बच्चे आए, परिवार आए हैं। कुछ लोग 5:30 बजे जिनको सुबह ड्यूटी जाना था या बाहर जाना था या जिसके अर्ली क्लासेस 7 बजे से लगता है, वो 5:30 बजे से हमारे जो फिक्स्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही शुरू करते थे। हमारा इस महीने का जो रिकॉर्डेड टाइमिंग है किलोमीटर्स है 41,250। ये जवानों ने और परिवार ने मिल करके इतना किलोमीटर्स चला है। ये हमारे जो 6:30 बजे से लेके 8 बजे के बीच में प्रतिदिन जो रिकॉर्ड किया गया। अब इसके अलावा जो सुबह 5:30 और उसके इवनिंग में जो चले हैं, जो अपने मर्जी से अपना चला है, वो इससे भी काफ़ी अधिक है। पूरा भारत के लिए CRPF का टारगेट था कि 1 करोड़ किलोमीटर्स हम पूरे करेंगे, तो इसमें हमारा 100 पार्ट लगभग हमने इस GC से ही पूरा किया। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी दिन का लॉकडाउन के बाद ये सभी को एक मौका मिला है कि अपने शरीर फिट करने का। लॉकडाउन ने सबको जरूर घर के अंदर बंद किया, कैद किया, और उसके कारण काफ़ी बच्चे अपने वजन बढ़ा है। तो ये एक महीने में काफ़ी कुछ सुधार है और ये इसके अंत नहीं है। ये फिट इंडिया मूवमेंट यहाँ ख़त्म नहीं होगा, ये जारी रहेगा। आज सिर्फ उसका सेलिब्रेशन था और ये समापन नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं और वादा करते हैं कि ये फिट इंडिया मूवमेंट अगले आने वाले महीनों में सारे बच्चे और परिवार के साथ और जवानों के साथ जारी रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।